देवी देवताओं एवं राक्षसों, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी मैं एयरपोर्ट आई हुई हूँ क्योंकि मुझे इस बार जाना है कोलकाता। पिछली बार मैं ऐसे ही बोर्ड कर रही थी, इस बार मुझे एक्चुअली में कोलकाता जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि मैं अपने एक्स कॉलेज जा रही हूँ जहाँ से मैंने ड्रॉप आउट किया, वहाँ पर परफॉर्मेंस देने। तो बहुत एक्साइटमेंट हुई थी यार, लोगों से मिलेंगे जिनके साथ फर्स्ट और सेकेंड ईयर तो बताया था ऑनलाइन। तो देखते हैं, बड़ी सी नर्वसनेस भी होगी थोड़ी सी, लेकिन अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो कुछ भी फील नहीं हो रहा है, तो बोर्ड करने का वेट करते हैं। इसे एग्जैक्ट उसी बोर्डिंग गेट पर आ गई हूँ जिससे मैंने 2 साल पहले बोर्ड किया था। और तुम्हें अगर पिछला व्लॉग देखा है तो हल्का सा याद आएगा कि मैं यहाँ पर चप्पड़ चप्पड़ कर रही थी। देखो गाइस कि जस्ट 2 साल पहले मैंने जो ब्लॉग डाला था वो ही टाइम था जब मैंने कॉलेज से ड्रॉप आउट किया था और मैं गलती से कॉल किया था कि लाइन में लगने वाली थी। और जस्ट 2 साल बाद मैं अभी सेम कॉलेज जा रही हूँ परफॉर्मेंस देने। तो बड़ा अजीब हो गया, और यार मुझे कोल्ड हो गया, सिंगल गर्ल्स लिटरली। मतलब जब भी कोई परफॉर्मेंस होती है उससे पहले गला खराब होना ज़रूरी है, पता नहीं क्यों होता है ऐसा। बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि जितनी प्रिकॉशंस लो, प्रिकॉशंस लो बेटा, थोड़ी सी इंग्लिश जान ले, जितनी भी प्रिकॉशंस लो कुछ कर ही नहीं सकते, फिर भी हो ही जाना। बस थक गया हूँ मैं उड़ते उड़ते, जा रहा हूँ दिल्ली अपने लैला के पास फ्लाइट पकड़ के। महंगाई इतनी है वरना उसके लिए पीका जी की नमकीन ही ले जाता। पैर तो देखो मस्त मस्त लग रहा है, फिर दुकान में कोई है नहीं, उठा के भाग जाऊँ क्या? पता नहीं, ये फर्स्ट थॉट की बात है। शक्ल से ही चोर लगता है। ये पीछे वाइन की शॉप है, दारू पी लो गाइस। नहीं मत पीना कभी जिंदगी में, मत पीना कभी जिंदगी में। पब्लिक में ब्लॉग करते हैं, पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं, मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है। क्यों कोई आता है तो मैं बंद कर देती हूँ। बहुत सारे लोगों से मिलने वाले हैं। जो कॉलेज है उसके गेस्ट हाउस में आ गई थी, तो थोड़ा सा फ्रेशन अप होके जा रही हूँ वापस प्रैक्टिस के लिए। तो दिस वॉज माई एक्स कॉलेज गाइस, अगर पीछे से कुछ दिख रहा है, जहाँ से मैंने ड्रॉप आउट किया और कल परफॉर्मेंस है। तो बहुत सारे इमोशंस आ रहे हैं, इमोशंस हुए कि मतलब दिस वॉज दैट कॉलेज जिससे ड्रॉप आउट किया। तो देखते हैं अब क्या होता है आगे, पहले पहुँचूँ। पेड़ तो बहुत अच्छे हैं। फिर मैं गई इंस्टीट्यूट हॉल जहाँ पर मेरी परफॉर्मेंस होने वाली थी, लेकिन इतने सारे लोगों को देखकर मेरे कैमरे की फट के चार हो गए, बोला चल भाग।
सीएस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग देखकर मुझे ऐसी गर्मी चढ़ी कि लगा इसी तालाब में डूब जाऊँ। हरियाली इतनी थी कि लगा राजस्थान के लिए 2-4 पेड़ यहीं से क्यों न ले जाऊँ। फिर सारी की सारी ऑक्सीजन निकालने के लिए मैं चली गई सल्लेटर हॉल, जहाँ पर मुझे कल की परफॉर्मेंस के लिए अपनी प्रैक्टिस करनी थी। भरते भरते रात कब हो गई पता ही नहीं चला। मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी, पर मेरा दोस्त मुझे एक ऐसी जगह ले गया जहाँ जाकर सारी एनर्जी वापस आ गई। ये था गंगा घाट। ऐसा लगा पूरी ज़िंदगी इसी किनारे बैठ के निकाल दूँ। द फीलिंग वॉज सो सरियल। प्यारी प्यारी सौंधी हवा चल रही थी। उस पल के लिए लगा जैसे सारी चिंताएं ख़त्म हो गई हैं। किसी ने तो ये कहा है कि जो भी कुछ पास्ट में हुआ वो तुम्हारी डेस्टिनी था, पर जो भी कुछ फ्यूचर में होगा वो सब तुम्हारे हाथ में है। यही सोचकर कर्म करते रहो। जहाँ हो एकदम सही जगह हो, यू विल मीट द राइट पीपल एट द राइट टाइम। डोंट रश, जस्ट हश। हरे कृष्णा। जस्ट अभी सो के उठी हुई हूँ और वैसे ऑलरेडी ह्यूमिडिटी है, कल भी बहुत ह्यूमिडिटी थी, थोड़ी देर में चल के बहुत बुरा सा और गर्वास सुनने लगा, मुझे कोल्ड हो रहा था। मैं क्या परफॉर्मेंस है, होप कि आप ही कुछ कितने बजे बाद गर्म पानी ले लूँ थोड़ा। ये है IISTE का फेमस क्लॉक टावर। सुबह सुबह थोड़ा घूमने निकल गई थी, लेकिन ये तालाब मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। जहाँ जाऊँ कोई ना कोई इसका भाई बहन ज़रूर मिल जाता था। शांति इतनी थी कि लग रहा था माधव ये तो मेरी परफॉर्मेंस से पहले का सन्नाटा लगता है। और तभी मेरे पेट से भुखमरी की आवाज़ें आने लग गई। तो अब मैं जा रही हूँ इंस्टीट्यूट की कैंटीन में, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जाने का वक्त मन है और कैंटीन में देख लेते जाके देख लेती हूँ जाके कि पता नहीं ये प्लूरल में क्यों निकलते हैं वर्ड्स। तो अब जा रही हूँ कैंटीन, देख लेते हैं क्या खाएंगे उधर। तो कुछ पसंद नहीं आया इंस्टीट्यूट को कैंटीन में, तो फिर मैं वापस जा रही हूँ अब। और गेस्ट हाउस था उसी में देख लेते हैं ब्रेकफास्ट में क्या बना है। वैसे तो उन्होंने कहा था ऑमलेट और टोस्ट शायद, तो टोस्ट ही खाना पड़ेगा, हम तो वेज ठहरे। पेंसिलियो कैंटीन की प्राइस बहुत ही ज़्यादा थी, मेरा ही एक्स कॉलेज मुझे जल्दी बना रहा है। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना। परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस ख़त्म करी है, फिर साउंड चेक होगा, फिर परफॉर्मेंस होगी। और इतना गला थक चुका है ना, क्योंकि ऑलरेडी मुझे कोल्ड हो रखा था। ये परफॉर्मेंस से पहले कोल्ड होना चाहिए, और गला थक गया काफ़ी। होपफुली परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जाए। आई थिंक टोटल 5 सॉन्ग्स हैं और टोटल आई थिंक आधे घंटे का परफॉर्मेंस होगा, तो होपफुली श्री कृष्ण जी अच्छा करेंगे सब कुछ। तो अब देखते हैं, अब मैं गेस्ट हाउस जाऊँगी लंच करने। बहुत बार होगा ऐसा कि जब परफॉर्मेंस और गला ख़राब है तो फिर तब भी परफॉर्म तो करना ही होगा, तो अब थोड़ा सा गागर कर लेंगे और पता नहीं मैं प्लूरल में क्यों बोलती हूँ यार, लेंगे वेंगे कोई मतलब आप सब हो ना मेरे साथ इसलिए।
क्योंकि आप सभी की वजह से ये मैं यहाँ पर आ पाई हूँ। गर्म पानी मंगाया है तो ये भी थोड़ा सा ठीक हो जाए कुछ। और कॉलेज आके कैसा लगा? अच्छा लगा कॉलेज आके। म्यूज़िक क्लब में म्यूज़िक जो भी बजाते हैं उनके साथ परफॉर्म करके बहुत अच्छा लगा। और क्या मुझे ऐसा लगा कि मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि अब हाँ होता है ऐसा कि ऐसा लगता है कि मेमोरीज बनाते दोस्तों के साथ, घूमते फिरते फ्रीडम होती टाइम। लेकिन इन फ्यूचर का सोचा जाए तो फिर ये सब भी ना होता, यूट्यूब इतना अच्छा नहीं हो रहा होता, और अगर कॉर्पोरेट जॉब कर लेती तो फिर अचानक से छोड़ती क्योंकि स्ट्रेसफुल होता, और फिर मतलब होने को तो बहुत कुछ हो सकता था, क्या ही पता है फ्यूचर का। लेकिन जो कान्हा जी ने अब जो डेस्टिनी डिसाइड करी है वो ही बेस्ट है मेरे लिए, तो मैं तो उसी में खुश हूँ। तो ऐसा कोई फोमो टाइप नहीं हो रहा है मुझे, और बस और तो मैं क्या ही कहूँ। अच्छा लगा काफ़ी अपने कॉलेज आके परफॉर्म करूँगी इसमें, तो अब देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस आती है। और मेरा मन था कि जो कलकत्ता में है सब्सक्राइबर्स वगैरह वो आ सकते परफॉर्मेंस देखने, पर कोई बात नहीं, वीडियो में देख लेंगे आप सब परफॉर्मेंस। और तो बहुत बोल रही हूँ मैं। चलो ठीक है, बाय।
शोर था वो बहुत ही डरा हुआ था, तो फिर ज़्यादा देर खींचा नहीं जाना था आवाज़ को। और शुरू के दो सेंस में थोड़ा सा लाइक कंपन हो रही थी आवाज़ में, लेकिन फिर तो वहाँ के गाया वो अच्छा था। एंड उसके बाद दो सॉन्ग्स गाए वो भी अच्छे थे, एंड फिर बहुत सारे लोगों ने फ़ोटोज़ खींची, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल। और जूनियर्स बहुत ही स्वीट है, साथ वाले भी बहुत स्वीट है, तो ओवरऑल मुझे आके बहुत ही अच्छा लगा है अपने एक्स कॉलेज। एंड तो बहुत थक गई हूँ फिर से कोल्ड की वजह से ज़्यादा, पता नहीं यार बीच में मुझे चक्कर भी आ रहे थे, लाइक बैठे बैठे मुझे चक्कर आ रहे, तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ओवरऑल क्वाइट गुड परफॉर्मेंस एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सी यू अगेन ISTE, मे बी एक्चुअल रेबेका फेस्ट में आएगा, तब तो साथ वाले नहीं होंगे जो थे, लेकिन स्टिल जो जूनियर्स होंगे। सो इट वॉज वेरी फन। तो कल सुबह सुबह फ्लाइट है, फिर से निकलेंगे। सोचा तो था कि कल तक घूमेंगे थोड़ा और, लेकिन क्या ही कर सकते। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट, एंड आई विश कि कान्हा जी हम सबको ऐसे आगे बढ़ाते रहे। तो ब्लॉग आज को तो यही ख़त्म करते हैं। हरे कृष्णा।